गौतम ऋषि जानेंगे कि सुबेरा हो गया, मैं अहिल्या के साथ में छल कर देंगे। बोले ठीक है। अब चंद्रमा चंद्रमा नहीं रहा, वो एक मुर्गा बन गया। उसने क्या किया, तीबा मुर्गा ने बादल फाड़ो रे, भूला बोला बोला तीन बजे बजे जाकर के जब चंद्रमा मुर्गा के भेष में गया और आवाज लगाई, गौतम ऋषि ने जाना कि सुबेरा हो गया। गौतम ऋषि ने बीगे यानी कि बद्रों को लिया, कमंडल को लिया, वो तो चले गए। लेकिन इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का भेद धारण करके अहिल्या के साथ में चल कर दिया। और जब चल कर दिया, इधर गौतम ऋषि ने गंगा मैया में जैसे ही कमंडल को भिगोया, गंगा मैया आवाज देने लगी, ओए कौन पापी ने मुझे जगा दिया, तो गौतम ऋषि बोली माँ मैं तो प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों बोल रही हो। गंगा मैया बोली पापी तेरे घर में जल हो रहा है, तू यहाँ पापों को धो रहा है। बोले मैया समझे नहीं, बोले पापी तेरे घर में चलो रहा तू पापों को दोरा। उसी समय गौतम ऋषि ने भीगे बद्रों को कंधे पर डाला, कमंडल लिया और अहिल्या के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाने लगे अहिल्या, अहिल्या अहिल्या। अहिल्या ने मन में सोचा एक पति हमारे पास में, एक पति दरवाजे पर, ये क्या हो रहा है। अहिल्या दौड़ करके दरवाजे पर पहुंची, देखा गौतम ऋषि खड़े हैं। परिचित जी अहिल्या ने अपने सर को नीचे झुका लिया। गौतम ऋषि बोले जा अहिल्या, तूने अपने पति को नहीं पहचान पाया, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। पत्थर जैसी खड़ी है, इसी वक्त पत्थर की स्त्री हो जा। अहिल्या पत्थर की हो गई और आगे बढ़े, देखा इंद्र खड़ा हुआ था। गौतम ऋषि बोले तूने मेरे पत्नी के साथ में चल किया, तेरी इंद्राणी इतनी सुंदर है, फिर भी तूने मेरी स्त्री पर नजर डिगाई। तेरे इस चेहरे में आंखें बच जाए, सीने में हजारों छेद हो जाए। थोड़ा और आगे बढ़े, देखा चंद्रमा बैठा हुआ था। गौतम ऋषि ने भीगे बद्रों को लिया, चंद्रमा के मार दिया। देखना आज भी चंद्रमा में धब्बा लगा हुआ है। अब श्री राम बोले बेटा